और अभी अभी एक घंटे पहले 2000 के नोट को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपको इस खबर को जानना बेहद जरूरी है। यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, 2000 के नोट नहीं आने से बना रहेगा कैश संकट। एक घंटे पहले दैनिक भास्कर की तरफ से मीडिया में ये खबर अपडेट की गई है। बैंकों की मांग पर जिला प्रशासन ने RBI को पत्र लिखकर ग्वालियर के लिए 1000 करोड़ की मांग की थी, लेकिन RBI ने सिर्फ 274 करोड़ ही भेजे। इनमें भी 2000 का नोट नहीं था, 500, 200 और 100 रुपए के नोट दिए गए, इसलिए नकदी की कमी बने रहने की आशंका है। आपको बता दें, ATM में पहले सारे बैंक में 2000 के नोट की कैसेट थी। अधिकतम 40 लाख रुपए इसमें लोड किए जा सकते थे, लेकिन 2 माह से 2000 के नोट नहीं मिल रहे हैं। कैश 25% घटा, यानी अब इनमें 2000 के नोट नहीं निकलेंगे, लेकिन इससे ATM की कैश स्टोर क्षमता 25% तक घट गई है। अब 2000 की जगह 200, इसलिए बैंकों ने इस कैसेट को 200 के नोट से बदलवाना शुरू किया है। अब तक 60% ATM में 2000 की कैसेट को 200 से बदल चुका है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 2000 के नोट बंद हो गए हैं, क्योंकि बहुत से लोग इस बात को लेकर परेशान हो रहे हैं कि कहीं 2000 के नोट बंद तो नहीं हो गए। तो हम आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ऐसा कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। हाँ, हालांकि कुछ समय के लिए इनकी सप्लाई रोकी गई है, लेकिन इनका चलन पूरी तरह से जारी है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत, नो टेंशन रहें। वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर करें। DLS News को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।